हम लोगों को 3-3 रुपए बचाने के लिए 3-3 किलोमीटर चलना पड़ता था, और एक पार्ले जी के 2 रुपए वाले बिस्कुट खाने से पहले सोचना पड़ता था कि वो 2 रुपए के बिस्कुट खरीदो या नहीं खरीदो। हर 3-4 साल में मैं अपने ताऊ जी के पास जाता था कोई ना कोई बिजनेस प्रपोजल लेकर के, और वो रिजेक्ट कर देते थे कि वेट फॉर 3 more years। मुझे अपनी इस जर्नी पे प्राउड है, गर्व है, बिल्कुल, और इसलिए मुझे बताने में कोई शर्म नहीं कि मैंने शुरुआत 15,000 से की थी और आज हम लोग 200 करोड़ रुपए के आसपास के टर्नओवर तक आए। हम लोग एक ट्रेडिशनल फैमिली से जहाँ पे अगर गार्जियन ने यस कहा तो यस है, उन्होंने नो कहा तो नो है। अच्छा, चाहे वो कितना भी लॉजिकल ठीक क्यों नहीं लग रहा हो, ताऊजी ने मना कर दिया तो नहीं करना, ताऊजी ने मना कर दिया तो नहीं करना। लेकिन इंडिया में या कहीं भी मुझे नहीं लगता कि बैन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सुजीत जी। फर्क पड़ता है कि जो कंज्यूमर है वो क्या सोच रहा है। प्राउड के साथ एक स्टोरी बता पाते हैं कि एक 15,000 रुपए का एम्प्लॉई आज मेरा पार्टनर। बिफोर मूविंग एड वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन ऑन अ वंडरफुल न्यू प्रोडक्ट, अ रीयूजेबल नोटबुक फ्रॉम नारा। इट्स 100% free, waterproof and tearproof notebook which can be used endlessly for years together. I think it's a great step towards a sustainable future and a new step in note taking. I have been personally using this notebook and have been able to save 6 to 8 pages every day. If you are interested in knowing more about this product, the link for the product is in the description below. साकी जी, वेलकम टू इंग स्टोरीज। यू आर आवर फर्स्ट गेस्ट फ्रॉम वाराणसी, तो हमको बहुत खुशी है कि आप आए, और आपका जर्नी मैंने लिंक्डइन में पढ़ा है, देखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मुझे लगा कि आपने आना चाहिए और आपने बताना चाहिए। आपका जो फर्स्ट टैगलाइन है आपके इंट्रोडक्शन में इज दैट यू हैव बिल्ट अ बिजनेस फ्रॉम 15,000 रुपीज़ टू 200 करोड़। ज़्यादा लोग ऐसे बात नहीं करते, आप वो बोलते हो, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहन देने वाली बात है। हम वो जानना चाहते हैं आज के दिन में कि आपने ये आपकी जो कहानी है 15,000 रुपए से लेके 200 करोड़ तक की, क्या हम वो सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और ये मुझे अपनी इस जर्नी पे प्राउड है, गर्व है, बिल्कुल, और इसलिए मुझे बताने में कोई शर्म नहीं कि मैंने शुरुआत 15,000 से की थी और आज हम लोग 200 करोड़ रुपए के आसपास के टर्नओवर तक आए। एक्चुअली ना बहुत ही अच्छी बात है, आप शायद कभी गिन भी नहीं पाओगे आपने कितने जनों को इंस्पायर किया, मुझे भी किया है, और ऐसे ना अनगिनत कितने जनों, कोई शायद आपको बोल नहीं पाएगा कि आप जब एक अपने जैसा एक बंदा कर सकता है इंडिया में तो कोई और भी डेफिनेटली कर सकता है। बिल्कुल, और मैंने तो ऐसे लोगों से भी मैं बहुत मिला हूँ जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया और जो मेरे मुझसे नीचे से चालू करके आज काफ़ी ऊपर तक है। बढ़िया, तो उन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया। अगर मैं एक भी किसी को इंस्पायर कर सकूँ अपनी जर्नी के थ्रू तो मुझे बड़ा गर्व होगा। बढ़िया, तो ये जानते हैं कि आप कैसे अपने, वेर आर यू बॉर्न, आप कहाँ से, आपकी पैदाइश है, ये क्या आपका जर्नी, आप पहले बिजनेस फैमिली से है, आपने आप नौकरी में, आप बता रहे थे कि आप नौकरी कर रहे थे पहले, तो ये थोड़ा बताएंगे हमको कि कैसे आपका जर्नी रहा। बिल्कुल, आजकल अयोध्या में रामलला की बड़ी चर्चा है, जो जी, राम जी पूरे देश में चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है, राम भगवान राम का जन्म स्थान है। बिल्कुल, मैं उनकी अर्धांगिनी भगवान माता सीता जी के जन्म स्थान से हूँ। सीतामढ़ी एक जगह है जहाँ पे बिहार में, जहाँ पे सीता जी जनक जी के हल चलाने से निकली थी। बॉर्न एंड ब्रॉटअप मैं वहीं का हूँ, ग्रेजुएशन मेरी वहीं पर हुई थी। लवली, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, और उसके बाद फिर फादर के बिजनेस को मैंने 14 साल के एज में ज्वाइन किया। क्या बिजनेस था उनका? फादर का बिजनेस टेक्सटाइल होलसेल का बिजनेस था, जो कि पैटर्नल बिजनेस था, ग्रैंडफादर और उनके पहले भी लोग यही कर रहे थे, और 14th ईयर में ही मैंने उनके बिजनेस को ज्वाइन किया। उस समय तो मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि वो 14 साल से 25 साल तक जो मैंने अपने फादर के साथ काम किया उसमें जो लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे मिली थी, वो लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे जॉब के दौरान मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद की तेज़ी से एस्केलेट करने में। तो आपने पहले 11 साल बिजनेस करा, 14 की उम्र से 25 की उम्र? हाँ जी। अच्छा, फादर का बिजनेस? ओके ओके, फादर के बिजनेस में मैंने उनका सपोर्ट किया। अच्छा, तो फिर 25 में कोई कारण कि आपको वो छोड़ना पड़ा या? बिजनेस में इश्यूज थे, और वो बिहार की थोड़ी सी स्थिति भी उस तरीके की थी कि हम लोगों को बिहार छोड़ना पड़ा। ओके, मैं एक साल के लिए सूरत आया था, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लर्निंग वाला टाइम था मेरे लिए। अच्छा, जहाँ पे हम लोगों को
3-3 रुपए बचाने के लिए 3-3 किलोमीटर चलना पड़ता था, और एक पार्ले जी के 2 रुपए वाले बिस्कुट खाने से पहले सोचना पड़ता था कि वो 2 रुपए के बिस्कुट खरीदो या नहीं करने। तो उसके कारण से फिर हम लोगों की मानसिकता ये हुई कि हम लोगों को अब कोई सेफ ऑप्शन ढूंढना चाहिए। तो एक जॉब का ऑफर आया, खेमका जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं बनारस के, उनके पास से जॉब का ऑफर आया और हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया कि उनके साथ जुड़ करके सेफली अपने टाइम को निकाला जाए। लवली, तो बताइए ये आपका जॉब का जो जर्नी है उसके बारे में बताइए, कैसा रहा, वॉज इट ईजी, आपने क्या किया जॉब में? आपने मुझे बताया कि आपने 6 करोड़ का टर्नओवर को 100 करोड़ किया, तो वो कैसे किया आपने? इसमें ऐसा था कि सब मैंने शुरुआत की तो मैं एज ए अकाउंट एग्जीक्यूटिव चालू किया था मैंने खेमका जी के यहाँ, और एक डाटा ऑपरेटर का काम करता था, उनके अकाउंट को संभालता था। अकाउंट को संभालने के दौरान भी जो जो आइडियाज़ मुझे अपने पुराने बिजनेस से थी, वो सारे आइडियाज़ को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और उस दौरान अकाउंट्स में भी अकाउंट्स हेड के नीचे तक मेरी प्रमोशन हो गई थी। लेकिन अकाउंट्स का काम मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा एप्रिसिएशन वहाँ पे कम मिलता है। हाँ। तो फिर मैंने कोशिश करके खेमका जी से बात की और कहा कि भाई मुझे तो अब सेल्स में जाना है। ही वॉज काइंड इनफ टू इंटरटेन माई रिक्वेस्ट। तो मुझे सेल्स का पहला काम बनारस का मिला, और जिस समय मैंने बनारस का काम हाथ में लिया था उस समय वो 6 करोड़ रुपये की एनुअल सेल्स की ब्रांच थी। अच्छा। और ड्यू टू लर्निंग फ्रॉम वेरियस पेपर मिल ऑफिशियल्स, ग्रेजुअली नई नई चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करनी चालू की, और लगभग 7-8 साल के अंदर में 6 करोड़ का बिजनेस वहाँ का हम लोगों का 100 करोड़ रुपये टिका। सुपर, यानी इतना छोटा शहर का बिजनेस 100 करोड़ तक आप लेके, कुछ बताइए आपने एग्जैक्टली ऐसे वहाँ पे क्या चेंजेस लाए जो ये बिजनेस को इतना स्केल कर पाए? आजकल लोग बोलते हैं कि कस्टमर के पास जाइए और कस्टमर के पास आप पहुँचिए। जिस समय मैं उस बिजनेस में था, मैंने ये देखा कि पेपर बिजनेस वाज सेलर मार्केट बेसिकली। हाँ, और सेठ लोग बैठे हुए हैं, सेठ लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी गद्दी से नहीं उतरे। जो कस्टमर है वो आ रहा है, उसको प्रॉपर रिस्पांस भी नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे उसका पेन पॉइंट बहुत ज़्यादा था। करेक्ट। जिसको कोई एड्रेस करने वाला मार्केट में था नहीं। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि JK पेपर मिल के एक ऑफिशियल थे और एक ITC पेपर मिल के ऑफिशियल थे, जिन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअल में मार्केटिंग की कैसे जाती है, सेल्स कैसे किया जा सकता है, इंटीरियर तक कैसे जाया जाता है, कस्टमर के पास कैसे पहुंचा जाता है। एक टाइम ऐसा था कि 100 करोड़ रुपए की सेल जिस समय पहुंची है, हमारे पास उस पर्टिकुलर एरिया का 70% मार्केट शेयर आ गया था, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने कस्टमर की पेन पॉइंट को समझा और उसके पास पहुंचे। उनके लिए सरप्राइजिंग था कि खेमका जी के यहाँ से या एक पेपर डीलर के यहाँ से लोग हमारे आकर के खड़े हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। इट वॉज लाइक अनहर्ड ऑफ इन दैट इंडस्ट्री। दैट हेल्प यू, दैट गिव यू द एज, दैट ओनली दैट थिंग इज हेल्प मी टू। बढ़िया बढ़िया, यानी एक एम्प्लॉय बन के आप ग्रो हुए और कंपनी को अपने ग्रोथ लाया, तो इतना आपका जब अच्छा चल रहा था, तो फिर ये बिजनेस का अगर मैं बोलूँ कीड़ा, तो कैसे आया और क्या हो, क्या कहानी है उसकी? देखिए, हम लोगों ने पहले भी बात की, बिजनेस तो मेरे खून में ही था। हाँ, पहले अच्छा दादाजी पापा सब लोग बिजनेस में ही थे। एक टफ फेज आया था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरे ग्रोथ के लिए। आज अब मुझे फील होता है कि अगर वो फेज नहीं आया होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता, मैं सीतामढ़ी में ही कहीं छोटा मोटा बिजनेस कर रहा होता। करेक्ट। वो फेज आया है जिसके कारण से कि जॉब में आए, और जॉब में आने के बाद कंटिन्यूसली ये दिमाग में चलता रहता था कि वापस मैं अपना बिजनेस कैसे करूँ। हर 3-4 साल में मैं अपने ताऊजी के पास जाता था कोई ना कोई बिजनेस प्रपोजल लेकर के, और वो रिजेक्ट कर देते थे कि वेट फॉर 3 मोर ईयर। अल्टीमेटली ये करंट ग्रीन पैक का जो प्लान आया उसको उन्होंने अप्रूव किया, गो अहेड किया। हम लोग एक ट्रेडिशनल फैमिली से जहाँ पे अगर गार्जियन ने यस कहा तो यस है, उन्होंने नो कहा तो नो है। अच्छा। चाहे वो कितना भी लॉजिकल ठीक क्यों नहीं लग रहा हो, ताऊजी ने मना कर दिया तो नहीं करना, ताऊजी ने मना कर दिया तो नहीं करना, ताऊजी ने ओके किया। आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड माय ग्रीन पैक, और उस पॉइंट तक लगभग 500-600 करोड़ रुपए के टर्नओवर की कंपनी का पूरा सेल्स परचेज और टीम को मैनेज करना, टीम को नर्चर करना, ये सब मैं खुद कर रहा हूँ खेमका जी की कंपनी में। तो मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस आ ही गया था, बढ़ ही गया था, तो कि काम करना ही है, तो इसलिए मैंने। तो शायद आप वहाँ पे सेल्स भी देख रहे थे, परचेज भी देख रहे थे? मैं सेल्स भी देख रहा था, परचेज भी देख रहा था, और
टीम हायरिंग और टीम को नर्चर करके ग्रो करना, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था एक ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए, टीम बनानी। पेपर ट्रेडर में, पेपर ट्रेडिंग में कहीं भी इस तरीके से टीम बनाई नहीं जाती थी उस पर्टिकुलर टाइम में दौरान। और हम लोगों ने, मैंने शुरुआत से ही अपने अंडर में टीम ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश की। बेसिकली मैं थोड़ा सा लेजी पर्सन हूँ, तो काम करवाना पसंद है, काम डेलीगेट करके काम बता कर कराना ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए टीम को बना करके, टीम को मोटिवेट करके उसको काम कराते चले गए, इसीलिए वो ग्रोथ इतनी तेज़ी से दिखी ड्यू टू माई टीम। लवली। आई मीन जो लोग कहते हैं कि लेजी मत बनो, वो लेजीनेस ने ही आपको हेल्प किया ग्रो करने में। हाँ जी, हाँ जी, यू यूज योर माइंड मोर। हाँ, क्योंकि लेजी जो है होते हैं वो हमेशा आसान तरीका ढूंढ खोज लेते हैं किसी भी काम को करने का। वेल सेड, सही बात है, बिल्कुल। तो बताइए फिर ये जो बिजनेस का जो आप आगे बात बनी, आपने कौन से साल में ये चालू किया और कैसे रहा थोड़ा और जब डिटेल में बताइए। इसको ओके किया उस समय तक मेरे पास कुछ मेरे इन्वेस्टर्स थे, मेरा एक फ्रेंड और एक पेपर मिल के सीईओ ने मुझे इन्वेस्ट, मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। साथ ही साथ मेरे कलीग थे, सीए हैं वो, जो पहले खेमका जी के ही काम करते थे, उन्होंने मुझे पूरा बिजनेस प्लान बनाने में मदद की। उन्होंने मुझे गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में बताया जहाँ पे कि 2 करोड़ तक कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता था, CGTMSME कहते हैं उसको। अच्छा। और वो सब कुछ लेकर के तैयारी करके मैं ताऊ जी के पास गया था, लेकिन ताऊ जी ने एक बात कही जो आज तक मुझे समझ में आती है कि जो आप कोई कोई एक सेंटेंस होता है जो जिंदगी आपकी बदल देती है। हाँ जी। वो ताऊ जी ने वो एक सेंटेंस कहा कि फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल लाइज टू खेमका जी। ओ लवली। तो खेमका जी, क्योंकि आप 15 साल उधर काम किए हो तो वो रेस्पेक्ट उनको देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि खेमका जी ने उस समय साथ दिया जिस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल। तो अगर अब आप अपना काम करने जा रहे हो जहाँ पे आपको ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, तो आप खेमका जी को भी एक बार ऑफर कर लो, अगर उनका इच्छा होगा तो वो भी कर लेंगे। बढ़िया। कम से कम तो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल उनके पास था। और सरप्राइजिंगली आई वाज वेरी हेजिटेटेड टू गो टू खेमका जी एंड ऑफर द पार्टनरशिप बिकॉज आई वाज एन एम्प्लॉई। और वो काफी बड़े आदमी हैं, 600-800 करोड़ का बिजनेस चला, 600-800 करोड़ रुपए का बिजनेस संभालने वाले आदमी थे। तो लेकिन फिर भी सिंस ताऊ जी ने कहा था तो जैसे मैंने कहा कि जाना ही है, मैं उनके पास गया। और जैसे अभी आपसे बात हो रही है, फर्स्ट मीटिंग आपसे है, उनसे भी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो जब फर्स्ट मीटिंग हुई, आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा, क्या सोचा, क्या समझा। उस फर्स्ट मीटिंग में देन एंड देयर उन्होंने अलाउ कर दिया कि ओके गो अहेड, मेरा सपोर्ट है, मेरा सपोर्ट है एज एन इन्वेस्टर। क्या बात है। ही वॉज रेडी कि स्टार्ट करो साकेत। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यानी खेमका जी के साथ ही आपका जर्नी अभी भी चल रहा है। आई एम श्योर हम लोग खेमका जी आपके बहुत प्राउड होंगे आपके जर्नी के बारे में। मैं खेमका जी से बहुत प्राउड, खेमका जी का बहुत सम्मान करता हूँ और निश्चित तौर पे प्राउड तो होना ही चाहिए। नहीं, अपना जो एक एम्प्लॉय जो ग्रो होके अपने साथ और इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना, वो उनके लिए एक स्टोरी मिल गई उनको भी बोलने के लिए। चाहे जितने भी लोग मिलते हैं तो वो भी एक प्राउड के साथ एक स्टोरी बता पाते हैं कि एक 15,000 रुपये का एम्प्लॉई आज मेरा पार्टनर है। तो इस कारण से उनके पास भी ऐसे लोग आने के लिए अब तैयार हैं जो देख रहे हैं कि सही आदमी को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ खेमका जी के पास मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया। तो थोड़ा बताइए आपके बिजनेस के बारे में, लोग बिल्कुल उत्सुक होंगे जानने के लिए आप करते क्या है, आपका बिजनेस है क्या, थोड़ा बिजनेस के बारे में बताएंगे। देखिए, जिस समय में हम लोगों ने एज ए एम्प्लॉई मैंने सोचा था कि क्या बिजनेस करना चाहिए, तो एक किसी ने कहा है कि आपको हमेशा एम वहाँ करना चाहिए जहाँ पे बॉल जाने वाली है, वहाँ पे नहीं जहाँ पे बॉल अभी है। तो बेसिकली कहने की बात ये थी कि मार्केट कहाँ शिफ्ट हो सकता है, इसको एसेस करके फिर हम लोगों ने इस सेगमेंट का को चुना। हम लोगों ने ये देखा कि डिस्पोजेबल सेगमेंट में, टेबलवेयर सेगमेंट में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और एक ट्रेडिशनल शिफ्ट मास में खुद से आ रही थी कि चाय या कॉफ़ी पीने के लिए हमें प्लास्टिक में चाय, प्लास्टिक के कप्स वगैरह में, प्लास्टिक के ग्लासेस में हमें चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। और हाइजीन के हिसाब से भी डिस्पोजेबल या सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का लोग यूज़ कर रहे थे। तो एक नेचुरल शिफ्ट थी कि लोग प्लास्टिक छोड़ करके पेपर की तरफ जा रहे थे। उस समय गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरीके का कोई बैन नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इस बात को असेस किया कि ये बहुत राइट टाइम है। अगर हम लोग इस सेगमेंट में आते हैं तो आज के दिन में टेबल वेयर का मार्केट 100% मार्केट में से 90% मार्केट तो प्लास्टिक के पास ही, 10% पेपर है। करेक्ट।
नॉर्मल जो जीडीपी की ग्रोथ आएगी वो तो ग्रोथ इसको मिलेगी ही, लेकिन अगर प्लास्टिक के शिफ्ट का कुछ भी परसेंटेज 1-2% भी शिफ्ट होता है तो इस सेगमेंट के लिए वो 10-20% का शिफ्ट होगा। सही बात। तो हम लोगों ने जो अंदाजा लगाया कि सीएजीआर जो होने वाला है इसका, ये समवेयर बिटवीन 20-25% होने वाला है, और कितनी भी कैपेसिटी आ जाए इस लाइन में कैपेसिटी विल गेट ओवरबुक्ड इन वेरी लेस शॉर्ट ऑफ स्पैन टाइम। और वो हम लोगों को हमारे एक्सपीरियंस में हमारे उसमें हम लोगों को ये साफ साफ दिखा। हम लोगों ने 4 साल में 4 times ग्रो किया और 4 times ग्रो किया और 4 plants हम लोगों ने लगाए अपने। 4 plants? हाँ जी। बढ़िया। कहाँ कहाँ पे आपके प्लांट्स? बनारस में मेरे 2 plants है, एक मेरा अहमदाबाद में प्लांट है और एक मेरा ग्रेटर नोएडा कासना में प्लांट है। अरे वाह। और आप यहाँ पे डिस्पोजेबल पेपर कप्स, प्लेट्स और ये सब मटेरियल बना रहे हैं? हाँ जी, हाँ, चारों प्लांट में। बेसिकली बनारस और अहमदाबाद में जो लोग ये रेगुलर पेपर कप्स वगैरह बनाते हैं, छोटे साइज़ के जो पेपर जो चाय के दुकानों पे ये सब पे चलते हैं, उनके लिए हम लोग ब्लैंकिंग करके सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। और नोएडा वाला प्लांट हमारा प्रीमियम टेबलवेयर का है, चाहे वो डबल वाल पेपर कप्स हो, रिपल के पेपर कप्स हो, बर्गर बॉक्सेस हो, फ्रेंच फ्राई बॉक्सेस हो, पेपर की लिड्स हो, जो प्लास्टिक की लिड्स आज भी प्लास्टिक की लिड्स काफ़ी चल रही हैं तो उसको पेपर की लिड से रिप्लेस हो सके वो। उसके अलावा इसी जर्नी के दौरान हम लोगों को ये समझ में आया कि जिस समय हम लोग प्लास्टिक को पेपर से रिप्लेस करेंगे, वी आर नॉट एलिमिनेटिंग प्लास्टिक इंटायरली बट वी आर हेल्पिंग टू रिड्यूस द सिंगल यूज प्लास्टिक। करेक्ट। तो ये थॉट प्रोसेस भी एक अच्छा था कि कहीं मैंने पढ़ा था इकिगाई एक कॉन्सेप्ट, जापनीज कॉन्सेप्ट है, उसमें ये कहते हैं कि क्या आप कर सकते हैं और क्या सोसाइटी के लिए अच्छा है और भी 1-2 चीज़ें। तो हम लोग को ये काम करने तो आता था लेकिन एक मिशन के तौर पे टू रिड्यूस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी साथ में सपोर्ट मिल रहा था, तो हम लोगों के लिए एक ये सोने में सुगंध जैसा। बिल्कुल, आप एकदम राइट टाइम पे खड़े हो गए, कतार में एकदम राइट टाइम पे खड़े हो गए। और मार्केट जैसे गवर्नमेंट का बैन सब आया सिंगल यूज प्लास्टिक में, इट वुड हैव हेल्प्ड यू एक्सपोनेंशियली। इसने हेल्प तो किया लेकिन इंडिया में या कहीं भी मुझे नहीं लगता कि बैन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सुजीत जी। फर्क पड़ता है कि जो कंज्यूमर है वो क्या सोच रहा है, अवेयरनेस और वो कितना रेडी है कुछ एक्स्ट्रा पे करने के लिए। मेट्रो सिटीज़ की जहाँ तक बात करें, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ की बात करें, यहाँ पे तो एक सर्वे के हिसाब से कंज्यूमर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए 15-20% एडिशनल खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंटीरियर्स में अभी भी ये बहुत बड़ी इशू बना हुआ है, कस्टमर अभी एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा चाहे कितना भी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो प्लास्टिक के कंपैरिजन में, लेकिन परफॉर्मेंस इश्यूज प्लास्टिक के सामने में पेपर में हैं, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो चाहे लीकेज का इशू हो, चाहे वो आज भी पेपर में सिपर लिड नहीं बन पाता, लिड प्लास्टिक में आज तक इसलिए चल रहा है कि सिपर टाइप की जो मोल्डिंग है वो पेपर में नहीं हो पा रही। करेक्ट। ना ही वो सीलिंग मिल पा रही है, टाइट सीलिंग मिल पा रही है जो प्लास्टिक में मिल जाती है, पेपर में उतनी टाइट सीलिंग नहीं मिल पा रही। तो पेपर विल ऑलवेज रिमेन ये परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा नीचे रहेगा प्लास्टिक के, हालांकि बहुत लोग बहुत काम हो रहा है और बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ हो रहा है कि प्लास्टिक के सारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मैच किया जाए, और मुझे लगता है 1-2 साल में और इम्प्रूवमेंट आएगा, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। बढ़िया। तो आप ये जो बिज़नेस है, आपने 200 करोड़ तक ये लेके गए, मैं थोड़ा उसके ऊपर ध्यान लाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम जन होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। हम टेक बिजनेस में तो सुनते हैं कि वैल्यूएशन, आपका तो टर्नओवर है, आपका वैल्यूएशन नहीं है। तो आपने ये जो 200 करोड़ का बिजनेस किया, इसके अंदर कैसे और क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प की, और क्या क्या चीज़ आप बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को कि जिससे उनको बेनिफिट हो सकता है कि हम हमारे बिजनेस को कैसे ग्रो करें? देखिए, ज्ञान तो बहुत है लेकिन मैं अपनी बात पहले बताता हूँ। जब मैं जॉब में था उस समय ही कुछ स्किल्स मैंने डेवलप कर लिए थे और उस स्किल्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जैसे टीम मैनेजमेंट, डेलीगेशन, सब रिलेशनशिप बिल्डिंग, चाहे वो आपका सप्लायर हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो, फाइनेंस पे आपकी पकड़, सिंस कैश फ्लो पे आपकी पकड़, ये 3-4-5 चीज़ें ऐसी है जिस पे कि
मेरी मेरे स्किल की डेवलपमेंट मेरे जॉब के टाइम पे ही हो गई थी. करेक्ट. सिंस आई वाज हैंडलिंग 400-500 करोड़ टाइप ऑफ बिजनेस, तो 40-50-60-100 करोड़ तक तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ. छोटा ही अभी भी. केवल मुझे जो दिक्कत आई या चैलेंजेस आए वो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट या कन्वर्जन पार्ट पे आए, क्योंकि वो मेरे मेरे कप ऑफ टी का की चीज़ थी नहीं. करेक्ट. आपको तो बैकग्राउंड था ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग का, एम या मशीनों का एम भी पता नहीं था. अच्छा. तो वो पार्ट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, और कुछ एचआर से रिलेटेड, कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें भी. तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या आपने किया, क्या आपके लर्निंग थे, कैसे आपने मैनेज किया? मैन्युफैक्चरिंग में मैनेज करने के लिए यहाँ पे हार्डवर्क वापस काम आया, या करना पड़ा मुझे कुछ दिनों के लिए. बीइंग अ लेजी पर्सन, हार्डवर्क मेरे ये करना पड़ा कि मुझे शॉप फ्लोर पर मैं लगभग 8 महीने खुद बैठा, मशीनों के बीच में बैठा, और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में समझा. मशीन परचेज करने के लिए जब मैं गया था तो उस समय भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मशीन मैन्युफैक्चरर से मैं समझ सकता था उसको समझने की कोशिश की. तो माइंड अप्लाई करता गया और लोगों से पता करता गया, ऑपरेटर से सीखता गया. मैंने एक प्लांट इंचार्ज डाला जो इससे पहले थर्मोकोल फैक्ट्री के इंचार्ज थे, उनसे समझा. तो लोगों से समझते समझते धीरे धीरे टीम इस तरीके की डेवलप हो गई कि वो चीज़ों को सब ऑटो मोड में चलाने लग गई. अच्छा, बढ़िया. तो कोई ऐसे ये पिछले 5 साल में 2018 में जब से आपने चालू किया, आज हम 2024 में, आप कह रहे थे आपका 5th एनिवर्सरी जस्ट दिसंबर में ही कंप्लीट हुआ है. नाइन्थ ऑफ दिसंबर. तो इसके अंदर कोई ऐसा लर्निंग या वाक्य आप बताना चाहेंगे जो विच वुड बी गुड फॉर व्यूअर्स टू बी केयरफुल अबाउट, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक बात तो मैं सबसे पहले करना चाहूँगा कि एनालिसिस और पैरालिसिस के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए. ज़्यादा मत करिए. अगर ज़्यादा एनालिसिस करने लगे, मेरे साथ जो हुआ, अगर मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता तो शायद मैं इस बिज़नेस में नहीं आ पाता, उसको लेकर के नहीं जा पाता, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ ही लेता है. कमियां रहेंगी, दिक्कत रहेगी, परेशानियां रहेंगी. आपको अपना अपनी डिसीज़न को जस्टिफाई करना पड़ेगा और उसको आगे करने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन इसके साथ ही साथ एनालिसिस उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है, रिसर्च उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है. आप कोई भी कदम उठा रहे हैं, जब तक आप उसके बारे में एक लेवल तक सोच नहीं लेते, उसकी प्लानिंग नहीं कर लेते, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए. आपको आपके साथ कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पास टीम की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पास इन्वेंट्री की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है. आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीखने, समझने और जानने की कोशिश करनी चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के बाद. एंड ऑन द जॉब, ये नहीं कि मैं सब सीख गया हूँ फिर चालू करूँ. नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी. करेक्ट. आपको तो साथ में ही सीखना पड़ेगा. करेक्ट. चालू तो करो. ज्यादा एनालिसिस करके पैरालिसिस मत कराओ. मतलब पहला स्टेप तो उठाया आप. करेक्ट. धीरे धीरे आगे की रोशनी आगे अपने आप दिखती चलेगी. आप एक एक दो दो कदम बढ़ाते जाइए, एक एक दो दो कदम आगे के बारे में सोचते जाइए. जो सोचना भी है वो 50 कदम 100 कदम आगे के बारे में नहीं सोचना है, वो 4-5 कदम आगे के बारे में सोचना है. वही 50-100 कदम आगे के बारे में सोचने लग जाएंगे तो आप फंस जाएंगे. करेक्ट. आप चल ही नहीं पाएंगे. करेक्ट. करेक्ट. बढ़िया. आई मीन इट्स योर जर्नी इज ट्रूली एन इंस्पिरेशन. और एंड मोर सो कारण आप ना एक इफ आई में से एक छोटे शहर से हैं. वाराणसी आज भी कंपेयर टू दिल्ली या बैंगलोर या मुंबई, ये शहरों से काफ़ी छोटा है. अपॉर्चुनिटी बहुत छोटा है. सोच पता नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट तभी थोड़ा डर तो होगा लोगों को कंपेरेटिवली कि मार्केट इतना बड़ा नहीं है. तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो छोटे शहरों से है, कि आपने अपने माइंडसेट में क्या चेंजेस लाए और आप उनको क्या कहोगे एंकरेजमेंट? जो मेरी पिच थी मेरे ताऊ जी को और मेरे ये खेमका जी को, वो पिच यही थी कि हम लोग छोटे शहर में यहाँ पे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है. प्लीज टेल मी मोर. मतलब क्यों? क्योंकि जो जिस काम में हम लोग जा रहे थे उसमें उस समय जो कॉम्पिटिशन था दैट वॉज इधर इन दिल्ली और इन कोलकाता. वी आर एग्जैक्टली इन बिटवीन. अच्छा. 800 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, 800 किलोमीटर्स फ्रॉम कोलकाता. अच्छा, एकदम. मैंने उनसे कहा कि कुछ बचे नहीं बचे, वो 3 रुपए किलो का दोनों तरफ से जो भाड़ा लगता है उतना ही तो अपनी कमाई पक्की है. हाँ, सही है. तो आज के दिन में मुझे लगता है कि छोटे से छोटे शहर में, छोटे से छोटी जगहों में जो अपॉर्चुनिटी है वो आज के दिन में बड़ी जगहों पर नहीं है. करेक्ट. मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बारे में.
एंड आप जीता जागता स्वरूप हो इस चीज का कि छोटे शहरों में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है. बिल्कुल किया जा सकता है. एंड दैट टू अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जहाँ पे गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट है, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग चालू करी है और इसमें आपने खड़ा किया, तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है और इंस्पिरेशन है अपने आने वाले यंगस्टर्स के लिए जो सोच रहे हैं बिजनेस करने की, जो आज नौकरी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम खुद कुछ करें, या फिर वो बिजनेस वाले जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं. हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल साइज ऑफ द मार्केट आपके हाथ में. बनारस का एक एडवांटेज बीइंग अ छोटा शहर, कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं है. हम लोगों को एडवांटेज क्या मिला कि अगर गुजरात से कोई माल बनारस आना है तो दैट कॉस्ट 4 or 5 rupees पर किलो अगर आप 20-25 टन की गाड़ी ले रहे तो. लेकिन बनारस से आप सरप्राइज होंगे जान करके कि गुजरात माल 1.5 रुपये किलो 1.5 rupees पर केजी में माल आ जाता है. 5 रुपये जाने का बड़ा लगेगा लेकिन आने का बड़ा 1.5 रुपये बस. मैं बनारस से बैठ करके औरंगाबाद और अच्छा खाली गाड़ी भेजने से अच्छा खाली गाड़ी से इस चीज़ का एडवांटेज बिजनेस है. इस चीज़ का एडवांटेज मुझे काफ़ी मिला क्योंकि बनारस से कोई वापसी गाड़ी थी ही नहीं. करेक्ट. तो अगर कोई गुजरात से या महाराष्ट्र से गाड़ी जाती है तो वो दोनों तरफ का भाड़ा लेकर के जाती है यहीं से. करेक्ट. कि वहाँ से तो खाली आना पड़ेगा. करेक्ट. तो वो 1-1.5 रुपये जो उनको मिलते हैं वो लेकर के चले आते हैं. इस कारण से मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ कि मैंने काफ़ी बड़े एरिया में मैं काम कर पाया. बढ़िया. आई मीन और कुछ ऐसे नगेट्स जो हम कहते हैं जो नॉलेज के जो अंश है, कुछ आपने जो सीखा अपने पिछले 5 साल में जो आपको मालूम नहीं था, आपने आप भी जान के सरप्राइज हो, ऐसे कुछ है? और बिल्कुल, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग डरते हैं एज अ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज किसी पे विश्वास करने से, किसी पे भरोसा करने में. आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ उसमें भरोसा मेरे पर खेमका जी ने किया और मैंने अपनी टीम पे किया. करेक्ट. तब जाकर के ये बिजनेस इतना बड़ा हो पाया. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते या एक लिमिटेड जगह तक जा सकते. अगर आपका विज़न बड़ा है तो आपको अपनी टीम पे भरोसा करना आना चाहिए. जब आप भरोसा करना चालू कर देंगे आपका काम बड़ा होना लगेगा. भरोसा इज अ कीवर्ड साकेत जी के लिए जो जिस कारण की वजह से आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया. बिल्कुल. लवली. और वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन. आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेच इट टू लॉन्ग. वी कैन ऑलवेज गेट इन टू द कॉन्वर्जेशन लेटर. आपकी जर्नी जब और बड़ा हो जाएगा. सो वॉट इज द विजन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? आप कहाँ देख रहे हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं? जी हम लोग अभी तक बात कर रहे थे रिड्यूसिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक. अब हम लोगों का बिल्कुल इस बात में भरोसा है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइज कर रही है. जैसे मैंने पहले कहा था कि 20-25% का CAGR पेपर कप्स वगैरह में आएगा, उसी तरीके से बायोडिग्रेडेबल में 100% प्लास्टिक फ्री टेबलवेयर में, बायोडिग्रेडेबल टेबलवेयर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है. अच्छा. कम से कम 1,00,000 crore rupees का मार्केट Wow. ये होने जा रहा है अप टू 2030. वाओ. तो वी आर प्लानिंग टू गेट अ बिगर चंक इन दैट मार्केट. ये भी पेपर बेस्ड प्रोडक्ट के साथ, पेपर, बम्बू और पल्प, एनीथिंग बायोडिग्रेडेबल टेबलवेयर. बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है. अगेन आपकी इकिगाई को वो मैच करता है. तो हम लोग पूरी तरीके से कमिटेड हैं और बायोडिग्रेडेबल टेबलवेयर में हमारा टारगेट है कि हम बहुत जल्दी 2030 तक 2,000 से 2,500 crore के टर्नओवर तक जाएं. लवली, ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड मे यू रीच योर गोल. आई हैव टू क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड फॉर यू. वन इज, यू नो, मैं आपको लिंक्डइन पे ढूंढ रहा था. मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ यार, बंदे ने लिखा है 1,500 से 2,200 crore. तो यार ये तो मैं आपके प्रोफाइल में के थ्रू गया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो ऐसे आपके जर्नी में कोई लोग आप मिले हो जिनसे आप सोचते हो वो हमारे पॉडकास्ट पे आ सकते हैं और उनका स्टोरी एक इंस्पिरेशन हो सकता है बाकी लोगों के लिए? बिल्कुल, कई लोग हैं लेकिन उनमें से जो मैं आपको नाम बताना चाहूँगा उसमें चक के जो वेद जी हैं आप उनको ज़रूर बुला सकते हैं. अच्छा. उन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल टेबल वेयर में, वो पल्प बेस्ड टेबल वेयर में है और उन्होंने उस समय से विजन उस चीज़ का देखा जिस समय यहाँ पे उसका कोई मार्केट ही नहीं था.
अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांड बात यह है सुजीत जी कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट, ये सेगमेंट कमोडिटी सेगमेंट है, इसको जिस तरीके से उन्होंने एक ब्रांडेड सेगमेंट में कन्वर्ट किया और ब्रांड बनाया है, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ वेद जी से। आज के दिन में चक एक एज ए ब्रांड बिकता है, वो एज ए कमोडिटी नहीं बिकता। तो हम लोग भी ना हमेशा जब मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं तो वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना, टर्नओवर और ये इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, हम लोग मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे ब्रांडिंग बात करते हैं। तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ उनके स्टोरीज से, उनके लाइफ जर्नी से मैं इंस्पायर्ड हूँ और मुझे भी, मेरा भी विजन है एक ब्रांड बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल, और करना भी चाहिए। बिल्कुल, जो जैसे अमेरिकन कंपनीज है, जापानीज है, वैसे हमने भी हमारा खुद का ब्रांड बनाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमारे आज इंडिया में काफ़ी सारे कंपनीज ब्रांड बना रहे, बारे स्टारबक्स को कम्पीट कर रहे हैं, चायोस बन रहा है, अलग अलग कंपनी। इंडियन QSR और कैफे चेन्स ने तो जिस तरीके से ग्रो किया है दैट इज फिनोमिनल, फिनोमिनल, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। और उनके प्रोडक्ट क्वालिटी में कहीं कोई इशू नहीं है, एकदम वो मैच कर रही है ग्लोबल स्टैंडर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ चीज़ें अभी वो भी लर्निंग फेज में है, जहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग्स है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो भी जल्दी से जल्दी उसको मैच कर लेंगे। और रिसेंटली मैंने ये सुना कि टी पोस्ट की 25 आउटलेट्स टी पोस्ट इज प्लानिंग टू स्टार्ट इन दुबई। इज इट? या वाओ, सो नाइस। मैं चायोस का बहुत बड़ा फैन हूँ। चायोस ने ही स्टार्ट किया। चायोस भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा काम। हाँ, मैं जब भी फील करता हूँ कि मुझे कहीं जाके बैठना है तो मैं ढूंढता हूँ गूगल में, अगर मैं बैंगलोर में हूँ, दिल्ली में, ढूंढता हूँ कि नज़दीक वाला चायोस किधर है। अभी हर बार मैं जब चायोस जाऊँगा तो आपके बारे में सोचूंगा कि यू माइट बी वन ऑफ द सप्लायर्स देयर। और आई वुड टेक द कॉन्टैक्ट ऑफ द चक गाइज ऑल्सो आपसे, आप मेरे को प्लीज उनका देना, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ। सो द नेक्स्ट टाइम वेन एवर दे आर इन मुंबई वी कैन इन्वाइट देम ओवर। बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन इज फॉर अस इन टर्म्स ऑफ, आप जब ये पॉडकास्ट के लिए आए, अभी आपने किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या आप बताना चाहेंगे हमको? जब पहली बार आपका मैसेज आया आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आई वॉज ऑल्सो फीलिंग कि ये थोड़ी सी बोरिंग इंडस्ट्री है या इस तरीके का कुछ यहाँ पे होता नहीं है, मतलब मेरे सोच से बहुत दूर की बात थी। मैंने आपसे पूछा भी था ये पॉडकास्ट चालू होने से ये आइडिया आया कैसे, मैं बता नहीं सकता आपको कि कितना ज़्यादा मैं खुश हुआ कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री में भी हो रही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और स्पेशली आपसे मिलने के लिए मैं बनारस से बॉम्बे। थैंक्स, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और मैं भी ट्रैवल कर रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं कहीं मिस ना करूँ, मेरा मैं बाहर जा रहा था, मैं बहुत ही ये था कि कहीं पे भी मिस ना हो, क्योंकि आप इतना एफर्ट लेके आ रहे हो, यानी कहीं भी होता ना ये फ्लाइट आगे पीछे हो जाए तो मुझे भी वो डर था। आई रियली अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स। और आप आए, आपने आपका वक्त दिया, आपने आपका स्टोरी बताया और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये इतने सारे जनों को इंस्पायर करेगा कि लोग भी सोचेंगे कि हम अपने अपने इंडस्ट्री में, हम अपने अपने जगह पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। और खेमका जी जैसे और बिजनेस के जो ओनर्स हैं वो भी अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करें। बिल्कुल, ये अगर इस तरीके की कोई बात होती है तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करूँगा और आपका थैंक्स कि मेरी स्टोरी आपके कारण से सबके पास पहुँचेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साकेत जी। थैंक यू, थैंक्स।